एवरीवन, डिस्कस करन जा रहे हैं जी जेल वार्डर दा पेपर सेट बी शिफ्ट 6/29/2021। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो केंद्र अते राज सरकारां दी शक्ति स्थानक सरकारां नू दित्ती जांदी है तां इसनू की कहिंदे हन? विकेंद्रीकरण। वैन द पावर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। हेठ लिखे विचों किस खेतर नाल शोभा सिंह नू जोड़िया होया है? पेंटिंग। शोभा सिंह इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? दैट एरिया इज पेंटिंग। हेठ लिखे विचों किस कमीशन ने केंद्र राज संबंधा की जांच की? सरकारिया कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन एग्जामिन द स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशनशिप? सरकारिया कमीशन। हेठ लिखे विचों केड़ा राज इंडियाज ब्रेड बास्किट वजो जानिया जाता है? पंजाब। पंजाब स्टेट इज नॉन एज इंडियाज ब्रेड बास्किट। जो देश की कुल आमदन नू कुल आबादी नाल वंडिया जाता है तो इसनू पर कैपिटा इनकम कहते हैं। वैन टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इट इज नॉन एज पर कैपिटा इनकम। हेठ लिखे विचों किसने दुर्गयाना मंदिर का नींव पत्थर रखिया सी? पंडित मदन मोहन मालविया। पंडित मदन मोहन मालविया लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दुर्गयाना मंदिर। भारत के मुख्य चोन कमिश्नर नू कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। प्रेजिडेंट कैन रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हेठ लिखे विचों केड़ा राजनीति दे निर्देशक सिद्धांतां दे अधीन गांधीवादी सिद्धांतां दा हिस्सा नहीं है? टू डी ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, पिंडां दीआं पंचायतां नूं गैर संगठित करना। पंजाब दा सब तो वड्डा जंगल खेतर केड़ा है? हुशियारपुर। हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन पंजाब। हेठ लिखे विचों किसने अपने प्रचार विच परिवार अते समाज विच औरतां द्वारा निभाई जा रही महत्वता दी भूमिका नू पछाणिया? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी रेकग्नाइज द इंपोर्टेंस ऑफ रोल प्लेड बाय वुमेन इन फैमिली एंड सोसाइटी इन हिज प्रीचिंग। हेठ लिखे विचों भारत दे किसे भी राज दी पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी? सुचेता कृपालनी। सुचेता कृपालनी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। वह स्टेट केड़ी सी? यूपी। ते कदों तक उन्होंने राज कीता? 1963 तो लेके 1967। पेशेवर गोल्फ खिडारी नू प्रति स्लॉट विच किन्ना समा स्किंटा विच अलॉट कीता जांदा है? 45 सकिंट। 45 सकिंट पर स्लॉट इज अलॉटेड टू प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर। राज विधान परिषद दे मेंबर दा कार्यकाल की हुंदा है? 6 साल। 6 years इज द टर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ स्टेट लैगिस्लेटिव काउंसिल। हेठ लिखे विचों केड़ा राज दे मुख्य सकत्तर दा कारज नहीं है? इस क्वेश्चन दा आंसर तुसी कमेंट बॉक्स विच कमेंट करके दसो। फिट इंडिया मूवमेंट कदों शुरू किया गया सी? 29 अगस्त 2019। फिट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 29 अगस्त 2019। हेठ लिखे विचों मुख्यमंत्री नू औहदे अते गुप्तता दी सौं कौन दवांदा है? सुप्रीम कोर्ट दे हाई कोर्ट दे मुख जज, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर। इंडियन स्पेस प्रोग्राम दे संस्थापक दे पिता कौन हन? डॉक्टर वी ए साराभाई। डॉक्टर वी ए साराभाई इज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ विच पहला राष्ट्रीय खिताब किस साल जीतया?
1957 In which year did Milkha Singh win the first national title in 400 meter race 1957 हेठ लिखे विचो भारतीय संविधान दे केड़े आर्टिकल दी व्यवस्था दे तहत संसद दे एक सदन द्वारा पास किते गए बिल नू दूजे सदन द्वारा रद्द किता जा सकदा है 108 108 आर्टिकल ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बिल पास्ड बाय वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी रिजेक्टेड बाय अदर हाउस भारत विच पहली बार दो होर चोन कमिश्नर किस साल नियुक्त किते गए सी 1999 16 अक्टूबर 1999 नू In 1989, two more election commissioners were appointed first time in India. Rajpal de ohde da karjkal ki hunda hai 5 saal. 5 year is the nominal term of governor's office. Hun tak Bharat de rashtrapati di sarbsammati naal chon di ikko ik udharan Neelav Sanjiva रेड्डी दी चोन है द सिंगल इंस्टेंस ऑफ द यूनैनिमस इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो फार इज द इलेक्शन ऑफ नीलम संजीवा रेड्डी इन्हां विचों केड़ा पंजाब विच अखबारां दा केंद्र मन्या जांदा है जलंधर जलंधर इज कंसीडर्ड एज द सेंटर ऑफ न्यूज़पेपर इन पंजाब विच हेठ लिखे विचो केड़ी भारती संविधान दी विशेषता नहीं है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नवी बनी लोकसभा विच स्पीकर दी चोन कौन करवाउंदा है राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ स्पीकर इन न्यूली फॉर्म्ड लोकसभा हेठ दित्ते किस अभिनेत्री नू 2020 लई सर्वोत्तम अभिनेत्री दा पीटीसी पंजाबी फिल्म पुरस्कार दित्ता गया सोनम बाजवा सोनम पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर 2020 वाज गिवन टू सोनम बाजवा जे लोकसभा भंग हो जांदी है तां लोकसभा विच बकाया बिल लैप्स हो जांदा है एक इस दे विच लिखे है आर्टिकल 108 एक दे विच इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड द पेंडिंग बिल्स इन लोकसभा आर लैप्स्ड भारत विच मनुखी अधिकार कमीशन दा चेयरमैन कौन नियुक्त करदा है राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन इन इंडिया हेठ लिखे विचों पानीपत दी तीजी लड़ाई किस साल लड़ी गई सी 1761 14 जनवरी 1761 इन 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट हेठ लिखे विचों देश आजादी तो बाद पंजाब विधानसभा दा पहला स्पीकर कौन सी एक क्वेश्चन दा आंसर थोड़ा जा अलग है 1952 तो लेके 54 तक कौन रहे सत्यपाल ते इस तो बाद 1954 तो लेके 1957 तक कौन रहे गुरदयाल सिंह ढिल्लो इस क्वेश्चन विच तुहानू ग्रेस मार्क्स मिल सकदे ने हाई कोर्ट दे एक रिटायर्ड जज होर उच्च अदालतां विच अभ्यास कर सकदा है अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कैन प्रैक्टिस इन अदर हाई कोर्ट्स राज्यसभा दे पहले चेयरमैन कौन सन एस राधा कृष्णन एस राधा कृष्णन वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भारतीय संविधान विच राजनीति दे निर्देशक सिद्धांत दा उद्देश वेलफेयर स्टेट है द एम ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेलफेयर स्टेट
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਚਾਰਲਸ ਜੌਨ ਕੈਨਿੰਗ। 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ लॉर्ड कैनिंग वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वैन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज फॉट। भारत की केंद्रीय कार्यकारिणी विच राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्रिमंडल अते लोकसभा स्पीकर शामिल हुंदे हन। द यूनियन एग्जैक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्टेंस ऑफ द प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लोकसभा स्पीकर। राज विधानसभा दे स्पीकर नू ओहदे तों कदों हटाया जा सकदा है? असैंबली दा एक मता पास करके। बाईपासिंग अ रेजोल्यूशन ऑफ द असैंबली अ स्पीकर ऑफ स्टेट असैंबली कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। हेठ लिखे विचों सत्याग्रह की अगवाई महात्मा गांधी की गिरफ्तारी तो बाद किसने संभाली? अब्बास त्याबजी। अब्बास त्याबजी टुक ओवर लीडरशिप ऑफ सत्याग्रह व्हेन महात्मा गांधी वॉज अरेस्टिड। हेठ दिते सालों विचों केड़े साल पंजाब विच पंजाबी नू सरकारी भाषा ऐलान किया गया सी? 1966। इन 1966 पंजाबी वॉज डिकलेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन पंजाब। सिखां दे सिक्के किसने शुरू किए सन? बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर इंट्रोड्यूस्ड सिख कॉइन्स। हेठ लिखी केड़ी किताब दे लई पंजाबी कवि सुरजीत पात्र ने साहित्य अकादमी अवार्ड जीत्या सी? हनेरे विच सुलगदी वर्णमाला। पंजाबी पोइट सुरजीत पात्र हैड वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हनेरे विच सुलगदी वर्णमाला। कदों जीत्या सी यह? 1993 विच। धन्यवाद दोस्तों, जे तुहानू साडी वीडियो वधिया लगी होवे तां इसनू लाइक ते शेयर कर दो ते चैनल नू सबसक्राइब कर लो।